लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मौजूदगी में धुधू कर जलता रहा मिनी ट्रक निचलोल में। बता दें कि आज दिनांक 10 नवंबर 2020 को मंगलवार निचलोल तिराहे से करीब 100 मीटर दक्षिण गोरखपुर रोड पे एक डीसीएम आकर रुकी। ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके कुछ दूरी पर जाकर कुछ काम करने लगा। अभी चंद मिनट हुए होंगे कि डीसीएम से धुआं उठने लगा और गाड़ी अपने आप स्टार्ट होकर सड़क किनारे बने नाली में जा गिरी और धुंधु कर जलने लगी। सूचना पाकर मौके पर निचलोल थाने की पुलिस व फायर ब्रिगेड की छोटी गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन फायर ब्रिगेड के पास पानी की उपलब्धता न होने के कारण निचलोल थाने की पुलिस व फायर ब्रिगेड के जवान तमाशबीन बनकर देखते रहे। कुछ देर बाद क्षेत्राधिकारी निचलोल के पहुँचने के बाद थाने के सिपाही व कुछ फायर ब्रिगेड के लोग कुछ हरकत में आए तो अलग बगल के दुकानों से बाल्टी में पानी लेकर आग बुझाने के प्रयास में थे। तब तक आग डीसीएम को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया था। उस वक्त तक पुलिस कर्मियों का यह प्रयास नाकाफी था। बता दें कि घटनास्थल से महज 1 किमी की दूरी पर नगर पंचायत का कार्यालय है, जहां पर उक्त पानी से भरे टैंकर मौजूद रहते हैं, लेकिन वो भी समय से नहीं आ सका। करीब 45 मिनट बाद महाराजगंज से दमकल की गाड़ी आई, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। समय रहते दमकल में पानी रहता तो शायद डीसीएम को बचाया जा सकता था। यूपी के जनपद महाराजगंज के जगदौर से नूर मोहम्मद की रिपोर्ट।